बिना किसी भूमिका के, जैसा कि मुझे कहा मैं भूमिका ही हूँ, इसलिए मुझे भूमिका की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं स्वयं भूमिका हूँ, भूमिका भूमिका की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे पढ़ता हूँ। सुना दो बैंक वालों को। जी बिल्कुल, बैंक वालों पे बहुत उम्मीद सर। मेरा तो स्कूटर से लेके कार तक और मैं खुद भी एक गले में लॉकेट लटकाए हूँ, पीएनबी से वित्तीय सहायता प्राप्त। सही बता रहा हूँ सर। सुनिए, एक संबंधों पे गीत पढ़ता हूँ छोटा सा। आदानी मेरे बहुत दिनों के बाद मेरे परम सिद्ध है, मेरे चाचा जी मुझे बहुत स्नेह देते हैं, मदन मोहन मिश्र जी। बहुत दिनों के बाद इतना समय तक ये बैठे हुए हैं, हम सबको सुन रहे हैं। एक संबंधों पे गीत पढ़ता हूँ, आप सबका आशीष चाहता हूँ। जख्मों पर जख्म ही मिले, जख्मों पर। कविता को सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद मुझे ताली बजा के दीजिएगा। मैं जानता हूँ मैं लफाजी करने के लिए पूरी रात लफाजी कर सकता हूँ, हमारे परिवार साहब जानते हैं, सुशील जी, संजय सिंह जी, हमारे सिकंदर बैठे हुए हैं, ये सब जानते हैं कि मैं लफाजी करना चाहूँ तो पूरी रात आपको हंसा हंसा के लोटपोट कर सकता हूँ। बहुत सुंदर, मगर कहीं ना कहीं एक संवेदना का गीत पढ़ता हूँ, आप सबके दिल में खटके से लग जाए। बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, सब आपका आशीष चाहता हूँ। बस मंच शिखर की ओर है इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, एक बार ताली बजा के मुझे आशीष दीजिए। सुनिएगा, मेरी आदरणीय भाभी जी बैठी है दोनों, मिसेज भटनागर और मिसेज राय, उनको प्रणाम करता हूँ। और भी भाभियाँ बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, सबको नमन करता हूँ और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जख्मों पर जख्म ही मिले, पैबंद रिश्तों के जब गए सिले, पैबंद रिश्तों के जब गए सिले, जख्मों पर। गुप्ता जी थोड़ी देर बंद करो यार, इस समय फोन पे लगे हो, क्या जुगाड़ का है या उधार का है? इस समय उधार का तो हो नहीं सकता, जुगाड़ वाले का है, जुगाड़ वाले से कह दो कल बात करना। सुनिएगा, सुनिएगा, पैबंद बहुत बहुत अच्छा नवगीत है, सुनिए। पैबंद किसे कहते हैं आप सबको मालूम है? एक समय था हिंदुस्तान में हम सब तिगड़ा लगाते थे, पैबंद लगा के कपड़े पहनते थे, आज हम कहां से कहां पहुंच गए। पढ़ता हूँ, भाई साहब आइए, स्वागत है, बैठिए। आप कहां चले गए थे? आपकी तो इस महफिल की जान, आपकी मुस्कान बहुत अच्छी, ईश्वर करे इसको सुरक्षित बनाए रखे। सुनिए, सारा काम निपटा गया है भाई साहब, बर्तन वर्तन धोता है, इसीलिए सुनिएगा। जख्मों पर जख्म ही मिले, पैबंद रिश्तों के जब गए सिले, जख्मों पर जख्म ही मिले, पैबंद रिश्तों के जब गए सिले, दिखती है होठों पर जब कभी भी मुस्काने। सुनिएगा, आजकल के संबंध, कोई दिखता है आपको अपना, बहुत अपना, हंसता है आपको देख के, महसूस करिएगा। दिखती है होठों पर जब कभी भी मुस्काने, मन की सब शंकाएं लगती हैं गहराने, मन की सब शंकाएं लगती हैं गहराने, मन की सब शंकाएं लगती हैं गहराने, ललचाई आंखों में आजे जो काजल है। महसूस करिएगा एक एक बंद को, परिहार साहब ने 80 लाख का फ्लैट ले लिया, कैसे ले लिया? ललचाई आंखों में आजे जो काजल है, बार बार बरसे हैं स्वार्थ के बादल हैं, बार बार बरसे हैं स्वार्थ के बादल हैं, नेह रिक्त पानी से जड़ सभी हिले, बहुत अच्छे, नेह रिक्त पानी से जड़ सभी हिले, पैबंद रिश्तों के जब गए सिले, पैबंद रिश्तों के जब गए सिले। और सुनेगा साहब अगला बंद और अंतिम बंद, अर्जुन सिंह चांद को अर्जुन सिंह चांद क्यों कहा जाता है? हरियाणा में एक जगह ये गीत पढ़ रहा था, उधर से एक महिला, उसका पति मिलिट्री में था, उठ के आती है, लगभग 56-57 साल की महिला, गले लगाती है, रोने लग जाती है। बंद पढ़ता हूँ, आपके भी दिल में कहीं ठक से लग जाए। मैंने कहा माता जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने पैर छुए तो कहती बेटा ये तुमने मेरी कहानी पढ़ी, मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ और मैं यही झेल रही हूँ पिछले 40 साल। बंद पढ़ता हूँ, आपके दिल में ठक से लगे तो मुझे एहसास कराइएगा।
निकल गया जीवन जब हमने तब ये जाना, निकल गया जीवन जब हमने तब ये जाना, मुश्किल है अपनों से अपनापन मिल पाना, मुश्किल है अपनों से अपनापन मिल पाना, निकल गया जीवन जब हमने तब ये जाना, मुश्किल है अपनों से अपनापन मिल पाना, कड़वे हैं बहुत मगर, कड़वे हैं बहुत मगर, कड़वे हैं बहुत मगर अनुभव ये सच्चे हैं, कड़वे हैं बहुत मगर अनुभव ये सच्चे हैं, कड़वे हैं बहुत मगर अनुभव ये सच्चे हैं, समर्पित हैं जब तक तो आप बहुत अच्छे हैं, समर्पित हैं जब तक तो आप बहुत अच्छे हैं, समर्पित हैं जब तक तो आप बहुत अच्छे हैं, खींचा जूं हाथों को, खींचा जूं हाथों को सब करेंगे ले, पैबंध रिश्तों के जब गए सिले, बहुत बहुत पैबंध रिश्तों के जब गए सिले, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंच को प्रणाम करता हूँ, माइक सही हो गया लगता तो ठीक है, आप किस्मत वाले हैं कि आपके टाइम में माइक सही हो गया, लगता है वैक्सीन लगा दी गई क्या? बिल्कुल रिकॉर्ड में वैक्सीन लगा दी गई है तो अच्छी बात है। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ साहब, हंसने हटाने के लिए मंगाया गया हूँ। हमारे यादव जी बहुत अच्छी सरस्वती वंदना पढ़ के गए, बड़े कवि हैं देश के, दादा रविंद्र जी बैठे हुए हैं उनके चरणों को प्रणाम हुआ, जी बैठे हुए हैं उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ था, स्थितियां जो है साहब वो कविता पढ़ता हूँ। मुझे बिल्कुल हल्के में लीजिए, जैसा कि नाम है नटखट बिना डंडे बिना मात्रा, ये समझिए कि केजी क्लास का भाई वाह स्टूडेंट हूँ मैं। कविता में कविता सुनाता हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। साहब यादव जी से मेरी मुलाकात, पहली मुलाकात आगरा में हुई थी। अरे वाह, आगरा में वो भी जूते की दुकान पर। बहुत बढ़िया, जूते की दुकान पर गए, कितना होशियार आदमी है साहब, ये जूते की दुकान पर गए, एक जोड़ी जूते लेने थे, घंटे भर मोल भाव किया, तब जाके एक जूता एक दुकान से और दूसरा जूता दूसरी दुकान से। अच्छा एक बार ताली वाली बजाए तो कुछ। हाँ जी, मन बनाए कविता के लिए, मन चाहिए, चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि आए हैं नहीं इनके दुकान पे गए थे, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में। बहुत बढ़िया, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में, और मन के सूने आंगन में अगर एक घटा बन छाओगे तो कर देंगे ये गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती। बहुत बढ़िया लखन जी, बहुत बढ़िया। कविता के लिए मन चाहिए दोस्तों, आप जैसे सुधीर श्रोता है साहब, और मैं बात कर रहा था आदरणीय यादव जी की, बहुत होशियार आदमी है साहब, कि अभी अभी जूते की दुकान पर गए, बस कविता से जुड़िए आप, कि अभी अभी जूते की दुकान पर गए, एक जोड़ी जूते लेने थे, घंटे भर मोल भाव किया, तब जाके एक जूता एक दुकान से और दूसरा जूता दूसरी दुकान से। वाह 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 वाह, इतना होशियार आदमी, एक जूता एक दुकान से। पिछले दिनों मिले, बोले यार नटखट जी जब मैं चश्मा लगाता हूँ तो महिलाएं मेरी ओर देखती नहीं। हमने की दादा चश्मा हटा दो, बोले चश्मा हटा दो तो दिखती नहीं। घर पहुंचे तो टेबल पे तीन तरह के चश्मे थे। मैंने कहा भाई साहब इस महंगाई में लोग एक ही से काम चलाता, आपके पास में तीन तीन? अरे बोले नटखट की नजर कमजोर हो गई है, पहला चश्मा पास की गई। हमने कहा दूसरा? बोले दूसरा दूर का है, दूर की भी गई। हमने कहा तीसरा? बोले तीसरा ये बताता है कि कौन पास का है कौन दूर का। तो आदरणीय खड़े थी, मैंने प्रश्न कर लिया कि आपकी इनके चश्मे के कौन से लेंस पर नजर है?
उत्तल लेंस पर किया उत्तल लेंस पर। वे बोली नटखट की अपन बेवकूफ नहीं है, मेरी नजर पे इनके बैंक बैलेंस। समझ में आई हो तो ताली वाली आना चाहिए। बहुत बड़े कवि बैठे साहब देश के, हमारे करीम का करीम बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं साहब, और साहब इतने प्रैक्टिकल आदमी हैं, साहब इतने प्रैक्टिकल आदमी हैं, बहुत प्रैक्टिकल आदमी बनाए गए हैं आज। और मैं पढ़ा था तो मैं कविता सुना रहा था आपको कि अभी अभी जूते की दुकान पर गए, एक जोड़ी जूते लेने थे, ये जूता चलते ही रहेगा भाई साहब। अभी अभी जूते की दुकान पर गए, एक जोड़ी जूते लेने थे, घंटे भर मोल भाव किया, तब जाके एक जूता एक दुकान से और दूसरा जूता दूसरी दुकान से लिया। दोनों जूते अलग अलग भाव के थे, और घर जाके देखा तो दोनों जूते एक ही पांव के। अब देखे साहब कितना क्वालिटी है साहब हमारे आलोक जी में, कितने गुणवान है ये। दोनों जूते एक ही पांव के थे, तब इन्होंने जूतों को वापस नहीं करवाया, बल्कि पैरों को जूतों के हिसाब से एडजस्ट कर। बढ़िया नटखटी वाला, बढ़िया है तो ताली वाली आना चाहिए। देखिए कविता ये आनंद के आनंद का विषय है कविता केवल, और हम तो केवल हंसने हंसाने के लिए कविता करते हैं साहब, कहीं से कोई ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करते, और इसी तरह सुनते रहे। आवाज बीच बीच के रुक रुक के कट रही है, तो आधी बात जैसे खाली स्थान भरो तो वो आप लोग इतने सुधीर श्रोता है कि खाली स्थान भर लेंगे, ये मेरा दावा है। बहुत शानदार और जानदार श्रोता है। और कविता सुनाता हूँ साहब, मेरी शादी एक विज्ञापन से हो गई थी, आदरणीय मेरी शादी, बहुत स्वागत है स्वागत। झांसी आपको मालूम है, झांसी वीरता की नगरी है। जी आप पढ़िए आप पढ़िए। महारानी लक्ष्मीबाई का शहर है झांसी जी। महारानी ने सारी दुनिया को वीरता का पाठ पढ़ाया, ये बात झांसी में आज भी है, बिल्कुल प्रमाणिक बात है। और साहब झांसी महारानी लक्ष्मीबाई का शहर, और महारानी ने सारी दुनिया को वीरता का पाठ पढ़ाया, ये बात झांसी में आज भी है। आप कैसी भी सीधी सादी बहू लाएं, कहिए कहिए सर, बहुत बढ़िया, तो ताली बजाएं भाई भाई, वाह 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 वाह। आप कैसी भी सीधी सादी बहू लाएं, छह महीने झांसी में रखें, झांसी का पानी पिलाएं, नटखट जी भुक्त होगी। छह महीने बाद में तलवार लेके खड़ी हो जाए। बहुत बढ़िया, कहीं नहीं जाना पड़ता था, ये स्थितियां हो जाती हैं। तब कविता सुनाता हूँ कि आवश्यकता है एक घरेलू पति, एक विज्ञापन है शादी का विज्ञापन, आनंद लीजिए आपकी मौज मस्ती के लिए होली का कार्यक्रम। हाँ टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन नहीं ले, पिछले दिनों तो बहुत टेंशन हुआ भाई साहब, तो नई नई पत्नी आई, बोले क्या करते हो, बोले कुछ नहीं अखबार छापते, अरे पागल है बोले अखबार क्यों छाप रहे हो, बोले क्या करें, बोले नोट छापो। सही वाह, नोट बंदी हुई थी भाई, बैंक वाले थे, बोले क्या पागलपन कर रहे हो, ये अखबार से क्या अखबार में क्या होगा, नोट छापो। कहने लगे भाई नोट छापेंगे, रात के अंधेरे में नोट छापे, जल्दी जल्दी में 100 की जगह 90-90 के छपे। भाई वाह, 90-90 रुपए के। अब भाई साहब 90-90 के छक्का आ गए, बोले कोई चिंता की बात नहीं, अभी करेंसी बदली है, अपन चलो दूर जाके गांव में आके चलाएंगे। अब सब दूर ले गए वो नोट पूरी पेटी, और गांव में पहुंच गए कस्बे में, बोले भाई साहब ये नए नोट आए हैं 90-90 के हैं, इनके फुटकर दे दो। अब भाई साहब जैसे ही उसे 90-90 के नोट दिए, 45-45 के दो वापस। ये अच्छा है, अच्छा है तो ताली वाली बजाओ भाई साहब। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बस एक कविता सुनाता बढ़िया।
ये तीसरा माइक आ जरा इस तरह पूरे मोहल्ले के माइक यहाँ आ जाएंगे। कवि सम्मेलन के साथ साथ माइक सम्मेलन भी हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया है। एक कविता सुनाता हूँ कि आवश्यकता है मन से सुनिए साहब, माइक की चिंता बिल्कुल मत करिए साहब। तब सुनाता हूँ कि आवश्यकता है घरेलू पति की, आवश्यकता है एक घरेलू आवश्यकता है एक घरेलू पति की। नटखट जी ये माइक ले लो आप, ये ठीक है, ये ठीक है। लगता है प्रमाणिक है ये, ये सही है करीम जी, बिल्कुल सही है। और करीम साहब बहुत अच्छे कवि साहब और इतने प्रैक्टिकल आदमी साहब, पिछले दिनों तो झूठ पकड़ने की मशीन लेके आए भाई साहब। इतना प्रैक्टिकल आदमी तरुण जी करीम साहब जो बुलाए वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी, हमारे साथ कई कार्यक्रमों में रहे जी। पिछले दिनों झूठ पकड़ने की मशीन लेके आए, और झूठ पकड़ने की मशीन ऐसी है साहब कि अगर कोई झूठ बोले तो मशीन बोलती पों। हेलो हेलो, उसमें बजर फिट है। अगर कोई मशीन यादव जी झूठ बोले तो बोलती पों। हेलो 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 हेलो, बढ़िया है भैया, बढ़िया नहीं यही ठीक है, मैं नटखट जी यही ठीक है। हेलो हेलो, अरे अभी यही ठीक है भाई साहब, सब मशीन बोल आए आए। तो साहब इतने प्रैक्टिकल आप सुनने मन से सुन लीजिए भाई साहब, केवल दो मिनट का काम है बस, ज्यादा नहीं। वैसे काफी लंबी टीम है, 2020 चल रहा है आज तक, केवल 2020 की तरह सुनिए भाई साहब हम लोगों को। रमन जी बैठे हैं देश के बड़े कवि साहब, बहुत बड़े वीर रस के बड़े कवि, शौर्य के बड़े कवि। पिछले दिनों तो इनका फोन आया, बोले नटखट जी शहीदों को बहुत सम्मान मिल रहा, बहुत पैसा मिल रहा, मेरा बस्ती चलता नहीं तो मैं अभी सीमा पर जाऊं और शहीद हो जाऊं। हमने कही हो जाओ, अपने बाप का कहता। बोले समस्या ये क्या, मुझे बंदूक बंदूक चलानी नहीं आती। हमने कही भाई साहब बंदूक चलाने में क्या है, बंदूक उठाओ टैगर दबाओ, कौन देखता है कहाँ लग रही है। अरे यार बोले नटखट जी मुझे तो ये भी नहीं मालूम, जब बंदूक चलाऊं तो नाल अपनी तरफ करूंगा दुश्मन की तरफ। हमने की तुम तो नाल कहीं भी कर देना, देश का भला ही हो। लेकिन साहब देश के बड़े कवि हैं, विदेश के बड़े कवि हैं, मैं हमारे आदरणीय हैं साहब, प्रणाम करता हूं रमन जी को। और इनकी कविताओं में शौर्य है, ओज है, और शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं। पिछले दिनों तो क्या हुआ साहब, युवा खेल महोत्सव हुआ इनके स्कूल में, कि युवा खेल महोत्सव के दौरान युवा, अब कविता का आनंद लीजिए, युवा खेल महोत्सव के दौरान खेल मास्टर ने, युवा खेल महोत्सव के दौरान खेल मास्टर ने लड़के और लड़कियों को खो खो का खेल खिलाया, खो खो का खेल खिलाया, परिणाम एक सप्ताह बाद आया। युवा खेल महोत्सव के दौरान खेल मास्टर ने होली का आयोजन, युवा खेल महोत्सव के दौरान खेल मास्टर ने लड़के और लड़कियों को खो खो का खेल खिलाया, परिणाम एक सप्ताह बाद आया कि खेल खिलाड़ियों में ऐसे बीज बो गया कि एक एक लड़का एक एक लड़की में खो गया। खो खो का खेल खिलाया, परिणाम एक सप्ताह बाद आया, बहुत बढ़िया, कि खेल खिलाड़ियों में ऐसे बीज बो गया कि एक एक लड़का एक एक लड़की में खो गया, और उनके ज्ञान चक्षु जाग गए, 15 दिन में सारे स्टूडेंट भाग गए। 15 दिन में सारे स्टूडेंट भाग गए। प्रिंसिपल साहब ने जांच की, प्रिंसिपल साहब ने जांच की तो पाया कि इस खेल का असर बेजोड़ है, नायब है खेल मास्टर, खेल मास्टरनी के साथ गायब है। ये स्थितियां हो जाती साहब, हंसने हंसाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, छोटी छोटी बातें कि आवश्यकता है घरेलू पति की, योग्यता हाई स्कूल या समकक्ष, बच्चे खिलाने में दक्ष, शरीर से हट्टा कट्टा हो, अकल में चाहे उल्लू का पट्टा। मजा रहा तो भाई साहब एक बार ताली वाली बजाए, ये पूरा कार्यक्रम आपको पूरा कार्यक्रम सजीव रखना है। एक बार और ये आवश्यकता है घरेलू पति की, योग्यता हाई स्कूल या समकक्ष, बच्चे खिलाने में दक्ष, शरीर से हट्टा कट्टा हो, अकल में चाहे उल्लू का पट्टा हो, किसी बुंदेलखंडी झगड़ालू स्त्री के साथ रहने का कम से कम 3 साल का अनुभव।
भाई वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा है तो ताली आना चाहिए भाई साहब। देखिए हमारे आदरणीय बैठे हुए हैं, छत्री बैठे हैं, देश के बड़े कवि हैं। ये आवश्यकता है घरेलू पति की योग्यता हाईस्कूल या समकक्ष। बच्चे खिलाने में तक शरीर से हट्टा कट्टा हो, अकल में चाहे उल्लू का पट्टा हो, किसी बुंदेलखंडी झगड़ालू स्त्री के साथ रहने का कम से कम 3 साल का अनुभव वांछनीय है। और उस पद के लिए कुंवारा विधुर और तलाक शुदा भी सम्मान्य। भाई वाह बहुत अच्छा। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष। पत्नी त्रस्त और ग्रीन कार्ड धारियों को विशेष अर्थ। आयु में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट। मौका अच्छा है लूट सके तो बहुत बढ़िया। मौका अच्छा है लूट सके तो लूट। और पद पूर्णता अस्थाई है। वही बात वही बात। टेम्परेरी पद पूर्णता अस्थाई है। किसी भी क्लेम और स्थानांतरण का नहीं है प्रावधान। सावधान सावधान सावधान। कुछ विशेष सूचनाएं, कृपया पूरी तरह से तैयार होकर आए। और पूर्व पत्नी या प्रेमिका का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हमारा पता आप बताएं। आज्ञाकारी पति बाएं, पति अन्वेषण केंद्र दरियागंज नेताजी मार्ग नई दिल्ली। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।